गांव का टूर करवाऊंगा आपका। तो हमारा प्लान कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया था, जैसे कल हमें जा रहे आना था, दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हमने ऑनलाइन बिल्कुल तत्काल में ऊंचा एक्सप्रेस से टिकट बुक करवाई। फिर उसके बाद ऑन द स्पॉट शाम की 6 बजे की ट्रेन थी AC 2 Tier A1 की, तो वहाँ से ट्रेन वगैरह से आए हम। बाकी थोड़ी COVID-19 की वजह से मैं ट्रेन की वीडियो नहीं बना पाया, बाकी टेंशन नॉट, आपका भाई आपको पूरा टूर करवाएगा गांव का। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस ये खेती खेता है। ये बहुत छोटा स्कूल है, पहले यहाँ पढ़ते थे, ये छोटा सा लगता है, शिवा नाम इसका, ये पढ़ता था यहाँ। बाकी ये पूरा गाँव पीछे से वहाँ से हमारा गाँव स्टार्ट है, तो वापस हम तो आपको दिखाऊंगा। और ये पेड़ वगैरह, इस पेड़ का क्या नाम है, सफेदा लिप्टिस, यहाँ पे से लिप्टिस करते, बाकी अपने वहाँ तो सफेदे से जानते हैं। ये है वो स्कूल है जहाँ पे कभी देख लीजिए COVID-19, गांव का नाम हमारा बमना सफीपुर। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करें। आपका भाई आपको डेली नई नई वीडियो देगा और नए नए व्लॉग्स बना कर देगा, तो बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए। ये हमारे गाँव का रेलवे ट्रैक है जो कि मेन है, नीचे साइड ट्रेन वगैरह जो नॉर्मल आती है नीचे आती है। तो गाइस किसको याद है ऐसे चलना बताना, मुझे कमेंट में लिखना कि कौन सा होता था ऐसे पहले। वैसे मज़ा बहुत आता है ऐसे चलने में, है ना, और इस पे भी चलते थे पहले ऐसे ऐसे करके, मैं नहीं चलता तो होती है। मजा बहुत आता दोस्तों। तो यहाँ पे पहले गेहूं बोए गए थे, तो गेहूं सारे कट गए, अभी ये धान के लिए रेडी हैं, अब यहाँ पे धान लगाई जाएगी। बाकी वो देख कितना बड़ा पेड़ है, हाँ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गांव एरिया ना, तो यहाँ पे लोग मतलब वही थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होके पड़ा रहता हूँ। यहाँ पे चलते चलते मुझे एक बात बताएगी, जैसे यहाँ पे जो भी गांव के जो लोकल आदमी होते हैं, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, तो जो जमींदार वगैरह होते हैं, वे क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ होते हैं उनसे जमीन बटाई पे ले लेते हैं, और बाद में मतलब कि जो भी उस पर जो भी बोना हो गया, जो भी फसल वगैरह करते हैं, जितनी भी फसल होगी सब कुछ यानी आधा आधा बांटते। जैसे बजट मान लो किसी की मतलब 50 से 60 हज़ार मान लो होती है, तो 60 हज़ार में 30 हज़ार जो होते हैं जिन्होंने जमीन दी थी जमींदार लोगों की, और 30 हज़ार होते हैं जो करते थे। तो इसमें मतलब गांव में बेरोजगार लोग होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल जाता है, अच्छी बात है। तो थोड़ा आगे चल के भी हमारे खेत आने शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर आप खेत आएंगे तो आपको खेत भी दिखाता हूँ। तो वैसे देख लिए धूप बिल्कुल ज़्यादा हो रही है, और टाइम हो रहा है 9:23 हो रहा है, बंदी खराब हो गई 9:23, कितनी ज़्यादा धूप हो रही है और पसीने से हालत ख़राब हो। ये हमारे खेत का एंट्रेंस है, तो देखते हैं जा पाता हूँ कि नहीं, यार मैं गिर जाऊँगा इस पर, गिरेगा तो नहीं ना ये, देख लो यहाँ पे 3 डंडे लगाए हुए नीचे, नहर जा रही क्या चीज़ है, पानी इससे पानी आता खेतों में। ठीक है चल आगे तो हो जाए यार। तो गाइस ये है मेरा खेत, कितने एकड़ होगा ये, 10 एकड़ होगा,
10 एकड़ ये हमें 10 एकड़ जमीन है। चलो छोटी सी जमीन है, कोई बात नहीं, बढ़िया। इतनी गर्मी लग रही थी बट अब यहाँ पे आके थोड़ा आराम है। तो जैसे यहाँ पे जो खेत वगैरह में जो लोग काम करते हैं ना, तो मतलब अपने रहने का बैठने का यहीं पे बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बना रखा है एक येलो कलर का कारपेट डाल के, ये कुछ टेंट टाइप, क्या कहते हैं इसे, मड़ैया, इसे मड़ैया कहते हैं गांव की भाषा में, बाकी हम तो यहाँ पे झोपड़ी के जानते हैं इसे। और ये हमारे आम ही आम सारे, और जैसे यहाँ पे सारे लोग चूल्हे वगैरह यहीं पे हुए, लोग खाते बनाते हैं यहीं पे रहते हैं। वैसे अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, देखिए आप, अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, घूम लूँ। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे ये आम वगैरह लगे अभी कच्चे हैं, ये सब पकेंगे तब जाके इन्हें बेच दिया। कच्चा भी पीछे जाकर पक्का भी हो जाता है। तो देखो ये हमारी छोटी सी गाय है, क्या बोलते हैं इसे, माचा। यहाँ पे देखो लकड़ी पे बैठ के वगैरह बना के बैठते हैं इस पे, जैसे गाँव वगैरह पे देखभाल करनी होगी या फिर वो करना हो गया देखभाल वगैरह, तो उसके लिए ऐसे ऊँचाई पे बैठते गाँव खेत की मारती है। अच्छा फिर तो मैं दूर ही रहता हूँ इससे, कहाँ ले जा रहा है इसे, यहाँ बांध देगा, यहाँ पे धूप होगी, वैसे पीछे धूप होगी तो इसे यहाँ पे बाहर निकला है, यहाँ पे इसका खाना वगैरह चारा। ये तुमने खरीदी थी क्या, इस पे टैग कैसा लग रहा है, ये कार पे टैग क्यों लगता है, इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे। गाइस जैसे भी हम खेत में बैठे हुए थे ना, तो हमें पता चला यहाँ पे एक चिड़िया होती है बहुत लंबी गर्दन वाली। देखो जैसे ना तो मुझे हंस लग रहे हैं, ना ही मुझे ऑस्ट्रिच लग रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या है ये, क्या कहते हैं इन्हें, सिर सही है कुछ नाम दे, वो भाग गए, कैमरे में तो बहुत दूर दिख रहे हैं। अरे यार यहाँ पे खराब है, बिल्कुल उड़ा दी उड़ा दी, गाइस ये हमारे गांव की नहर है, देखो कितनी तेज पानी है, देखो वहां पे शायद बकरी की लाश है, शायद वो डेड बॉडी, और वो शायद सुअर की है किसकी है, बाकी ये देखो पूरी वहां तक, हम भी कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 12:15, और धूप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल हाई लेवल वाली वो हो रही है, देख लो ऊपर, और इतनी गर्मी में यहाँ पे गाँव में धक्के खा रहा, धक्के नहीं यार, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपने गांव का टूर करवा दूँ आपको, सोचा हाँ शुक्र है पेड़ थोड़ा, मतलब आए थे हम रेलवे ट्रैक की तरफ से और अब जा रहे हैं यहाँ से नहर की तरफ से, देख लो ये साइड में नहर ही नहर ही नहर के साइड में जा रहे हैं घर की तरफ। और ये जो वीडियो है वो तो शायद आपको मिलेगी आज कल आज परसों में, तो मैं आपको पोस्ट कर नहीं सकता, ये जब मैं सोनी पर जाऊँगा वहाँ पे कनेक्शन वगैरह सब ओके होगा तभी जाके मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँगा, बाकी जल्दी मिलेगी आपको वीडियो ये, बट बताने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, चाहे मैं कभी भी करूँ आप देख ही रहोगे वीडियो।
हमें ये गाइस दोबारा चिड़िया दिखी है, पहले तो भाग गई थी, बाकी दोबारा मिली है, बाकी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता कैप्चर हो जाए। इधर से कहां से उड़ी गई, कैमरे में आगे उड़ी गई, उड़ी गई, उड़ा इस तरह से उड़ाते हैं, इस तरह उड़ाते हैं। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले 11 बजे के आसपास हमने आपको शूट दिखाया था, अभी हम घर पे गए, नहा धोकर आए हैं और खाना पीना खा पी के अभी पर गाय को पानी वगैरह देने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में देख लो तो जो पीछे आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला पेड़, इसे महुआ का पेड़ कहते हैं, जिससे दारू भी बनती है, शराब एल्कोहल, सिर्फ दारू शराब एल्कोहल बनती है महुआ से ही। अगर आप मेरे पेड़ जानते हो ना तो कमेंट करें। करीब 6 बजने वाले हैं और हम 2 बजे से यहीं पे बैठे हुए हैं, यहीं पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वहाँ पे गाय वगैरह का ध्यान रख रहे हैं, फिर बाग में ना जाए, आम भी वगैरह तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, और बाकी हम थोड़ा अभी वहाँ पे नहर की तरफ चले गए थोड़ा नहाने के लिए, वहाँ नहा धो लिया, उसके बाद ये पे बैठे हैं, गेम खेलने लग रहे हैं और भी कुछ नहीं। चलो फिर भी जितनी मैंने आपको वीडियो वगैरह दिखाई तो बताना आज सब लोग कैसा लगा।